रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की व्यवस्था की गई है। वहीं कई आम लोग भी हैं राखी के अवसर पर सामाजिक सरोकार निभाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जोधपुर में, जहां धनराज दाधीच ने कोरोना काल में अपनी बहन को खो देने के बाद हर रक्षाबंधन पर महिला सवारियों को फ्री परिवहन सेवा देने का संकल्प लिया है। धनराज अपने ऑटो में सवार होने वाली किसी भी महिला यात्री से पैसे नहीं लेते हैं, साथ ही महिलाओं की हर संभव मदद का प्रयास भी करते हैं। मैंने देखा ये सरकार गवर्नमेंट अपनी रोडवेज वगैरह फ्री लगा रही है, तो मैंने भी सोचा कुछ जोधपुर की बहनों के लिए कुछ मैं नया करूं। और क्या, मेरी भी एक सिस्टर थी, उसकी डेथ हो गई, उसकी श्रद्धांजलि देने के चक्कर में मैंने ये, मेरी बहन का नाम है बेबी, वो मेरे को छोड़कर चली गई, वो मेरे को राखी बांधने वाला है नहीं, इसलिए जोधपुर की सभी की बहनों को मैं अपनी बहना मानता हूँ। और ओनली फॉर महिलाओं के लिए मैंने ऑटो रिक्शा ये फ्री किया है। खाली मेरा ऑटो रिक्शा है, खाली पर्सनल, वो मैंने मेरी इच्छा से किया है। मेरा नाम है धनराज दाधीच।